नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही उन्होंने सख्त फैसले लेकर सरकार के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। कैबिनेट में फैसले लेते हुए प्रदेश में खुले में मांस, मटन, अंडा, मछली की बिक्री नहीं होगी व धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे को अवैधानिक रूप में और निर्धारित मापदंडों से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको लेकर 15 से 31 दिसंबर तक हर जिले में अभियान चलाकर एक्ट की कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में पुलिस ने खुले में संचालित हो रही मांस, मटन, अंडा, मछली की दुकानों को हटाने की कार्यवाही की है। वहीं साथ ही नगर में धार्मिक स्थानों से धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की भी की गई है। गौरतलब है कि यूपी के पैटर्न पर मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है। कैबिनेट में फैसला लिया है कि प्रदेश में खुले मांस, मटन, अंडा, मछली की बिक्री नहीं होगी। धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में इसकी दुकान भी नजर नहीं आएगी। साथ ही आदेश अनुसार धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे को अवैधानिक रूप में और निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री यादव के आदेश के बाद मंदसौर के गांव नाहरगढ़ में नाहरगढ़ पुलिस व ग्राम पंचायत की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुले में संचालित हो रहे मांस, मछली, अंडों की कई दुकानों पर कार्रवाई की। नाहरगढ़ नगर के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई के तहत कई दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नाहरगढ़ पुलिस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के तहत नाहरगढ़ नगर के धार्मिक स्थलों पर धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नाहरगढ़ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति सहित ग्राम पंचायत नाहरगढ़ की टीम मौजूद रही। कार्रवाई चल रही है पुलिस की, किस संबंध में है? शासन स्तर पर अभी वर्तमान में एक नए निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किसी प्रकार के जो मांस मछली विक्रय और अंडों का विक्रय खुले स्थान पर नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पर खुले स्थान पर था, तो हमारे द्वारा शासन के निर्देश और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के पालन में इनको हटाया गया। हमारे साथ नगर परिषद की टीम भी है, उनके माध्यम से भी हमारे द्वारा हटाया गया है। मंदिरों और मस्जिदों जहाँ पर भी लाउड स्पीकर के लिए भी कुछ आदेश आए हैं, वो क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भी इस प्रकार के आदेश आए हैं कि और धार्मिक स्थलों पर भी जो ऊपर माइक सिस्टम लगे हैं उनके लिए भी निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार के ओपन माइक नहीं रहे। तो हमारे द्वारा निश्चित रूप से अधिकारी स्तर पर जो आदेश प्राप्त हुए हैं और शासन स्तर पर जो प्राप्त हुए हैं आदेश, उनके पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए सभी धर्म संबंधित लोगों से, धर्म गुरुओं से मीटिंग ली है हमारे द्वारा, उनको समझाइश दी है। तत्काल ऐसे वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तो उनको समझाइश दी गई है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।